उदय साडा वाल्मीकि चौराहे पर, जहाँ इनकी मैडम की समस्या थी, इन्होंने हमें कॉल भी की थी, इन्हें परेशानी इन्होंने बताई थी हमें, काफ़ी इनको दिक्कत हो रही थी, इनसे बात करते हैं, इनसे जान के लेते हैं क्या इनके और ज़्यादा परेशानियाँ हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा शर्मा है, मैं यहीं पे पीछे रहती हूँ और मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाती हूँ, जिस वजह से मॉर्निंग में मैं टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। लेकिन मुझे इसकी वजह से मुझे मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 5:30 या 6:30 के राउंड ऑफ निकलना पड़ता है घर से, क्योंकि 6:30 के बाद यहाँ पे पानी भर जाता है और यहाँ पे इवनिंग में 5:05 के और राउंड ऑफ पानी अगेन भर जाता है। बीच में 2-3 घंटे के लिए पानी का ड्रेनेज हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे मेरा आना इम्पॉसिबल है, जिस वजह से मैं रहती यहाँ हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे शिफ्ट करना चाहिए क्या जी इस समस्या के लिए, क्योंकि मैं अपनी कोचिंग से या अपनी जॉब से वापस नहीं आ सकती हूँ 8 o'clock से पहले। तो अब ये इसका सॉल्यूशन, बट ये भी नहीं है ना, मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे घर चेंज करना चाहिए सॉल्यूशन। मतलब इसके इस परेशानी की वजह से आप अपना घर चेंज करेंगी? मैं ये सोच रही हूँ 15 days के लिए, कि मेरे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम शिफ्ट कर लो, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैंने बताया एग्जाम्स चल रहे हैं, एनुअल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैं ऑफ नहीं कर सकती हूँ कि मैं घर बैठ जाऊँ। जैसे मेरे पेरेंट्स ने ऑफ ले लिया अपनी जॉब से कि जब तक ये नहीं होगा तब तक घर से निकलने और जाना हमारे लिए अलाउ नहीं है। तो ये समस्या है इस तरीके की, बहुत छोटी छोटी होती है। हम लंच नहीं कर सकती हूँ, मेरा लंच घर से नहीं आता है, मैं बाहर से टिफिन लगवाया हुआ है मैंने। तो क्या ये एक जायज़ है परेशानी, अगर मैं यहाँ रह रही हूँ तो इसका मतलब? जैसे COVID-19 चल रहा है उस दौरान गंदगी का बहुत अंबार लगा हुआ है और बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो मैडम किस तरह इसको आप फेस कर रहे हो? फेस इतना अनहाइजीनिक है, मैं इस वक्त आप भी खड़े हैं जहाँ पे हम मतलब जैसे ही आता है तो सोचिए ना कि हम रहे घर में कैसे जाएं, हमें इतना अनहाइजीनिक लगता है, हमें डर लगता है कि कोविड का टाइम है, अभी वैक्सीन लगी नहीं है हम लोगों को। तो अगर हाइजीनिक की प्रॉब्लम, हमें कोविड की वैक्सीन ढूंढ रहे हैं हम, उसका सॉल्यूशन तो इतना जल्दी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे जनरली बेसिक लाइफ में जो डेली हमें फेस करना पड़ रहा है तो उसका सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन के नाम पर ये बोला जाता है, जब मैं किसी को वार्ड मेंबर से जाके कहिए ना, मेंबर साहब से आपने क्या कहा? नहीं नहीं, मेरी बात नहीं, वो लोग बाकी के लोग बोलते हैं डायरेक्ट ही कि अभी तो टाइम चलेगा, अभी तो बहुत लंबा टाइम है, आगे तो पुलिस भी खड़ी हुई है जिससे पब्लिक विद्रोह ना कर सके जी। तो अगर विद्रोह ना कर सके तो विद्रोह करने का रीज़न नहीं है। मैं बहुत साइलेंटली, मैंने मुझे ऑप्शन नहीं लगा तो मुझे इसलिए आपको कॉल करना पड़ा कि जिससे कि कोई तो होगा ऐसा जो इसको समस्या को खत्म करने वाला होगा, एग्जैक्टली जो हेल्प कर सके जिस प्रॉब्लम को, क्योंकि मुझे यहाँ रहना, बट ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं एजुकेटेड लड़की हूँ, इसका मतलब ही नहीं है कि इस समस्या के लिए मुझे घर चेंज करना पड़े, ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है। सॉल्यूशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे समस्या सिर्फ मेरी नहीं है, यहाँ पे हर किसी की है, हर यहाँ पे देखिए इतने सारे घर हैं जो लोग घर में ब्लॉक हो चुके हैं। तो एक बात बताइए, उनका डेली लाइफ के लिए जो उनको वेजिटेबल्स लाना होता है, फ्रूट्स होता है, जो बेसिक लाइफ के लिए जो नीड चीज़ें हैं, वो कैसे रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो रही है, बेचारे वही लोग जानते हैं। अगर उनको कोविड होता है या उनको मलेरिया हैजा, इससे गंदगी से 50 बीमारियाँ होंगी, किसी बीमारी होती है, तो जब हम घर साफ करने की बात करते हैं तो फिर हमें घर के बाहर ही इतनी गंदी, हम घर साफ करके भी कोई फायदा नहीं है ना, गंदा तो फिर भी है। कितने दिन से ये परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है मैडम? हो गए और आपको 1 month का ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि कम से कम है, आप होली के बाद ही समझिए। अच्छा, होली के बाद बोल रहे हैं, पूरा मंथ हो गया? हाँ, पूरा मंथ हो गया, मतलब आप ये समझ के चलिए कि हम ये इसको हमें इनफैक्ट अभी मेरी वजह से, मैंने बताया मेरे घर में ऑपरेशन भी है, तो मुझे अब मैं ये सोच रही कि हम ऑपरेशन यहाँ नहीं करा सकते, कराएंगे तो मुझे यहाँ आना जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऑपरेशन, ये आपको लगता है कि पेशेंट को देखा जाएगा, ये पहले खुद को हाइजीन की। आपने कोई एप्लीकेशन दी नगर पालिका को या जो सभासद को? लेके घूम रही हूँ अभी फिलहाल। आप एप्लीकेशन दिखाएं, देखिए ये एप्लीकेशन लेकर भी घूम रही है, इनको समस्या इतनी हो, दिक्कत हो रही है कि इनका मॉम, इन्होंने बताया जैसे इनकी मॉम का ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन होता यहाँ बुलंदशहर के अंदर, ऑपरेशन यहाँ नहीं करा रही इस गंदगी के कारण, और ये कोचिंग भी जाती है, कोचिंग सेंटर चलाती है, और उस कारण ये अपना 15 days के लिए, इन्होंने जैसे बोला था नगर पालिका वालों ने, यहाँ समस्या खड़ी हो सकती है, खड़ी रहेंगी, उस वजह से इन्होंने 15 दिन के लिए रेंट कहीं और लिया है। जी मैम दिखाएं, ये एप्लीकेशन है आपकी, दिखाएं एप्लीकेशन, ये रफली है, कोई नहीं मैम, एप्लीकेशन होती है, ये एप्लीकेशन इन्होंने दी है, और इसकी क्या समस्या हल हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये तो खैर सभासद बताया और नगर पालिका ही बताएंगे। मैम और क्या आपसे बात हुई? सर मुझे यही पता चला है और ये मुझे सॉल्यूशन नहीं लगा, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए इसका, कि इसमें सिर्फ मेरा नहीं है, यहाँ पे हर किसी को प्रॉब्लम है। इनफैक्ट मेरे पास मेरे पेरेंट्स ने सॉल्यूशन दे दिया, लेकिन क्या जरूरी है हर कोई ये काम कर सकता है कि आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, खाना बाहर से खा लो? कोरोना के बाद तो, कोरोना महामारी के बाद लोग खाना बाहर से खा रहे, कितना ये भी अनहाइजीनिक, जबकि मुझे वैक्सीन भी नहीं लगी अभी तो।
हमने इतने लॉकडाउन के बाद से हमने बाहर का फूड नहीं खाया है, हमने कोई हम बाहर का नहीं खाई है क्योंकि कोविड है, ठीक है। लेकिन अब मुझे खाना पड़ रहा है, टिफिन वहाँ से लेना पड़ा कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है, कि मेरे पेरेंट्स अभी भी खड़े हैं और वो कुछ उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो कैसे। बाबा परेशानी आपको कितनी हो रही है यहाँ पर? भैया काफ़ी परेशानी हो रही है, ये तो देखो बताओ कैसे जाए जावे है, मतलब किस तरह रास्ते से आप जाते हैं, ये रास्ता एक निकलने का है, और किस तरह आप जाते हैं सुबह में शाम में कैसे जाते हैं? मैं जी जाते हैं जी पानी में से ही और कैसे गिर भी के जाते होंगे इसके जैसे आप बुजुर्ग हैं गाड़ी पे जाते हैं? हाँ सही बात है जी, गिर भी जाते हैं। यहाँ और भी भैया मौजूद है उनसे ही बात करेंगे। भैया जैसे आप पीछे बैग जा रहे हैं और इसमें क्या दिक्कत आपको हो रही है, क्या परेशानी हो रही है आप बताएं? कौन गंदे पानी में पड़ेगा इसमें तो बताइए आप जी, गंदगी से तो वैसे ही प्रॉब्लम बहुत चल रही है। देखिए किस तरह ये बुजुर्ग हैं और एक महिला जो बुजुर्ग के साथ साथ भी उनकी वाइफ है, तो किस तरह ये निकल रही है यहाँ से, देखो कितनी परेशानी गुजारा करना पड़ा, जहाँ से निकल जाती है। और मैं गिर गई थी जी यार, सिर पे बकरियों को ला रही, गिर गई थी इस पानी में। मैं गिर गए थे आप? गिरने के बाद बुखार भी चढ़ जाया था मुझे। अच्छा बताया जा रहा है कि इसके अंदर करंट भी आ रहा है? करंट आ रहा है, खंबे लग रहे हैं लोहे के, इनमें करंट आ रहा। देखिए पानी होगा तो करंट तो आएगा, झारसी पर 24 घंटा पानी भरा जाएगा। बच्चा पकड़ ले, भैंस पकड़ ले, ढोर पकड़ ले, इंसान पकड़ ले, कुछ भी पकड़ ले, ये गाड़ी लेकर जा रही है, इसमें लोहा लगा हुआ, मैं गाड़ी को चिपका लेगा। ये पानी इस तरह भरा हुआ है जैसे रास्ता, इस तरह पानी भरा हुआ है कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति निकलेगा झारसी पर, उसमें बिजली के करंट भी उसमें उतरेगा। और आपको दिखा दें किस तरह, थोड़ा जूम करके दिखाएं शारिक, ये खंबा है और इस खंबे के ऊपर करंट उतरा हुआ है और बताया भी जा रहा है जानवर हो या इंसान कोई भी हो, व्यक्ति ने अगर निकलेगा तो उसमें करंट लगेगा। यहाँ हमारी अम्मा जी ने भी बताया कि निकलते हुए मैं 2 दफ़ा गिर चुकी हूँ। और भी भैया मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी भैया क्या परेशानी है आपकी? यहाँ परेशानी यह है कि यहाँ 10 दिन से पानी भर रहा है, लोग बाग आने को तैयार नहीं है, ना ही देखने के लिए तैयार है, ना ही कोई अधिकारी आ रहा है और ना ही ठेकेदार सुनने के लिए तैयार है। हम रोज की हम मशक्कत कर रहे हैं पानी निकालने की, कोई सुनवाई नहीं आ रही किसी के समय में भी, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं तब भी कोई परेशानी हो रही, सब लोगों को परेशानी हो रही है, बैग सड़ रहे हैं बच्चों के स्कूल जाने के लिए तो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा देखने के लिए, और ठेकेदारों से कहिए नगर पालिका में कहिए किसी को कोई कान पे सुनवाई नहीं चल रही है। लगभग कितने दिन से ये परेशानियां दिक्कतें आपके सामने हैं? 10 दिन से परेशानी चल रही है जी, और कोई भी नहीं आ रहा इधर को देखने के लिए, यहाँ गंदगी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी फैलने की आशंका हो रही है। कोविड-19 के चलते तब भी अभी भी सफाई का जो एक विशेष ध्यान रखा जा रहा है, उसके बाद भी कोई ऐसी समस्या खत्म नहीं, एक्शन नहीं ले रहा किसी भी बात का, किसी ने भी एक्शन नहीं लिया यहाँ के लिए, और सभी से कह रहे हैं कि यहाँ पूरा पानी भरा हुआ, गंदगी का माहौल बन रहा है, सभी गली में पानी भर रहा है। कोई आपको दिखा सकते हैं हम किस तरह पानी यहाँ पर भरा हुआ है, और आगे बताया जा रहा है कोई कार्य चल रहा है उसके कारण। तो यहाँ हमारा कहना यह है कि अगर कोई मशीन जैसा होती है वाटर प्लांट निकालने की, उस मशीन को लगाया जाए, निकाला जाए। कोविड-19 का इस टाइम दौरा चल रहा है, बीमारी चल रही है, उस दौरान अब बच्चों के स्कूल भी खुल चुके हैं, बच्चे इस टाइम कैद हैं घरों के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरह लोग अपने घरों के ऊपर चढ़े हुए हैं, और बताया जा रहा है जैसे हमने बातचीत किया कि ये लोग 10 दिन से बाहर नहीं निकले हैं, खाना पीना भी दूर से इनको दिया जाता है। सहयोगी शारिक खान के साथ आमिर राणा, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी वे बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। बिल्ला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा वे डायलिसिस डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी मामन रोड, बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।